नमस्कार सर, क्या नाम है सर? यतिनील सर। सर क्या करते हो आप? स्टडी करता हूँ 11th क्लास में। सर 11th क्लास में स्टडी करते हो आप, एक यूथ हो, उसके बावजूद डेरा से जुड़े हो, क्या कारण है? इनसे हमें बहुत तरह की शिक्षा मिलती है जिससे कि नशे नहीं कर सकते, जो कि हमें नशे छुड़वाने की अच्छी शिक्षा देते हैं, जिससे कि मानवता के कार्यों में आगे बढ़ते हैं और जिससे बुरी आसों से बच के रहते हैं। हम अपनी जिस तरह सिस्टर होती है, लड़कियाँ होती हैं, उन्हें अपने बराबर का दर्जा देते हैं, उन्हें अपने से कम नहीं समझते। यह शिक्षा हमें हमारे गुरु जी से ही मिली है। सर आप कहते हो कि गुरुजी ने आपको इतनी अच्छी शिक्षा दी, मगर मीडिया एक के बाद एक जो खबरें दिखाई गई हैं उसके बारे में फिर आपका क्या मानना है? सर मैम ऐसे झूठ में तो विश्वास करने में चाहे कोई मर्जी कुछ मर्जी बोल सकता, हर किसी का अधिकार है, बट ऐसा वहाँ पर कुछ है तो है नहीं। हमें इतने साल हो गए, 2002 का जन्म है मेरा, मैं तब से जाता आ रहा हूँ, यहाँ तक कि छोटा होते तब भी मम्मी लेके जाते थे। हमें उनसे शिक्षा ही इतनी अच्छी मिली है कि यह सब झूठ भी हो सकता है, हमें पता है ये झूठ ही है, तो वो हमने जो देखा हम उसी पे विश्वास करेंगे, औरों की बातों पे थोड़ा ना। गुरुजी पे कितना विश्वास है? अपनी जान से भी ज़्यादा। क्या दिया है गुरुजी ने सर? जो दिया ना उसका हम बयान नहीं कर सकते, जो चीज़ें हमें मिली यहाँ तक कि जिंदगी भी उन्हीं की बख्शी हुई है। आपने कहा कि गुरुजी ने समाज के लिए इतना कार्य करे हैं। एक मिनट आंटी जी बीच में आ रही थी, इनको ध्यान रखो ना, एक बार वहीं से देख लिया करो इधर इतना, ठीक है? कोई भी आए वहीं रोक दो। अब फिर सर गुरुजी ने समाज के लिए क्या किया? उन्होंने समाज को ताकि आज का यूथ है नशे की तरफ बढ़ता ही जा रहा है, परंतु उन्होंने उन्हें रोका है, जिससे कि वह रोक के उन्हें नाम देते हैं, जिससे कि उनमें आत्मविश्वास जागता है कि वह नशे न करे, क्योंकि अगर नॉर्मल जन वैसे नशा छोड़ता है तो उसमें इतना आत्मविश्वास नहीं होता कि वह अपने आप को संभाल सके। जो वो नाम देते हैं उससे उसमें आत्मविश्वास बढ़ता है और वह नशे को त्याग सकता है। यूथ को बहुत सुधारा उन्होंने, वो यूथ के लिए हर चीज़ करते हैं। सर आपने कहा कि गुरुजी ने इतना समाज को सुधारा है कि आपके घर में आज नशा नहीं है, आप नहीं करते नशा, तो वो उसका कारण सिर्फ गुरुजी हैं। कि वैश्यावृत्ति आज सर देश में बढ़ती जा रही है, धकेला जा रहा है महिलाओं को, क्या गुरुजी ने इसके दर्द को समझ के इन लड़कियों के कुछ कदम उठाए हैं इनको वैश्यावृत्ति से बचाने के लिए? वैश्यावृत्ति से गुरुजी ने कई लड़कियों को निकाला है, यहाँ तक कि हम उन्हें जानते भी हैं, बट जो फंसे हुए हैं उन्हें निकालने के लिए गुरुजी ने इतना कुछ करा है, वो तो देखने से पता लगता है। आजकल जो कि डेरे में इतनी लड़कियों की शादी होती है, हमारे जैसे लड़के हैं जो उनसे कि उनसे भी शादी करने से पीछे नहीं हटते, क्यों? क्योंकि जो उन्होंने हमें शिक्षा ही ऐसी दी है, उसी वजह से हम उनसे भी शादी करने से नहीं कतर आते। सर गुरुजी ने समाज के लिए इतना कार्य किया है तो उन पर जो आरोप लगाए गए हैं उनके बारे में आपका क्या मानना है? जो अब जैसे कि पैसे देकर जिन जो भी झूठ बुलवा सकते हैं वो तो है ही है, आप भी मानते होगे, जो बंदे को पैसे दे तो वो बदल भी सकता है, झूठ बोलने में तो कोई भी बोल सकता है, बट जो दिखा रहे वो तो गलत ही है, हमें पता है ना जो सच्चाई है। सर समाज में आज गुरुजी नहीं है, क्या लगता है कुछ प्रभाव पड़ रहा है समाज पे? बहुत प्रभाव पड़ रहा है, यूथ अभी भी ड्रग्स की तरफ नशों की तरफ अभी भी बढ़ रहा है, अगर जो वो हों तो ऐसा हो ही नहीं सकता, और वह इतने यूथ को सुधार रहे हैं, नशे वालों ने ही उन्हें फंसाए, जिस कारण से यूथ आज बहुत बिगड़ रहा है, और समाज को उनकी ज़रूरत है, वो आएंगे तभी नशा ख़त्म होगा। सर जो मीडिया है उसने मतलब सभी चैनलों पे नहीं, मतलब कुछ चैनलों पे ना केवल गुरुजी को टारगेट किया है, ना ही केवल संस्था को टारगेट किया है, बल्कि आप जैसे वहाँ पर जो जाते थे सेवादार, जो समाज भलाई के कार्य करते थे, उनको भी एक तरीके से व्यक्तिगत रूप से टारगेट किया, तो क्या अपील करना चाहोगे सरकार से कि ऐसे चैनलों को बंद करवाना चाहिए या कुछ कार्यवाही करवानी चाहिए, क्या अपील करना चाहिए? होना चाहिए कि उन्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, उन्हें पहले तो बात यह है कि उन्हें सच्चाई का पता लगाना चाहिए, बिना सच्चाई का पता लगाए हमें कभी भी ऐसी न्यूज़ नहीं दिखानी चाहिए जो कि सही ना हो, और जिससे कि आज हम अगर गलत न्यूज़ दिखाते हैं उससे हमारा यूथ हर चीज़ बिगड़ती है, और इस पर रोक लगनी चाहिए। यह तो ठीक ही बात है कि उन्हें
चैनलों को सच्चाई का पता लगाकर ही दिखानी चाहिए। सर, ग्रीन एस वेलफेयर फोर्स जो फोर्स है, किस तरीके से कार्य करती है और क्या मतलब गुरुजी ने जो इसका निर्माण किया है किस लिए किया है मेनली? ग्रीन एस वेलफेयर फोर्स विंग मानवता भलाई के कार्य कराने के लिए बना रखी है, जो कि अब बार वगैरह होगी और जिस तरह की नशे की चीज़ें होगी और सफाई अभियान वगैरह होगी, यह कार्यों में आगे रहती है, जो कि देश को सुधारने के लिए बना रखी है, जो कि देश को आगे तरक्की की ओर बढ़ाती है। सर, सरकार से क्या अपील करोगे गुरुजी? हम तो ये अपील करते हैं कि हम जल्दी से जल्दी सच्चाई का पता लगा कर और हमारे गुरुजी को हमारे बीच में भेजें। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जैसा कि आपने देखा कि सभी का ये बयान है जो मीडिया दिखा रही है, गलत चैनल ये चैनलों पे जो अपने दिखा रही है गुरुजी के बारे में, ना केवल और ना ही केवल संस्था के बारे में, बल्कि व्यक्तिगत रूप से लोगों को टारगेट किया गया है। आज भी जब लोग जाते हैं तो सामना करते हैं वो उन चीज़ों का कि आप डेरा सच्चा सौदा से आए हो, तो जो पर्सनैलिटी पर सवाल उठते हैं, कैरेक्टर पर सवाल उठते हैं, तो उन लोगों का ये कहना है कि इन चैनलों को बंद कराया जाए या फिर इनके लिए कोई कार्यवाही करी जाए कि सबूत को ध्यान में रख के ही कोई न्यूज़ पास करी जाए। सरकार को ऐसे कदम उठाने चाहिए या नहीं? क्या ये देशद्रोह का कार्य है या नहीं कि एक समाज सेवा संस्था के लिए इतना सब कुछ बोलना? अपनी जो राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।